हेलो सेवेंथ क्लास, टुडे वी विल बी डूइंग द बुक वर्क ऑफ चैप्टर वन. इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द चैप्टर रीडिंग एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर बाय कंप्लीटिंग द बुक वर्क ऑफ द सेम. आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इसका बुक वर्क कंप्लीट करके. रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज टिक द ओड वन आउट इन ईच सेट, ऑल्सो गिव योर रीजन. टिक द ओड वन आउट. सी इन ईच वन फोर ऑप्शंस आर गिवन, वी हैव टू चूज द ओड वन. यू कैन सी हियर लंग्स, आईज, ईयर्स, हार्ट. All these are, what is this? क्या है ये? These are our body parts. ये हमारे body parts हैं. But I have circled heart. तो heart को मैंने circle क्यों किया है? मैंने lungs, eyes या ears को circle क्यों नहीं किया है? Do you know? Guess. It is just because the human body has only one heart. Right? Yes. All others are found in pairs. हमारी बॉडी में हार्ट सिर्फ एक ही होता है, जबकि लंग्स, आईज, ईयर्स ये सब पेयर में होते हैं. दैट इज़ वाई आई हैव सर्कल्ड हार्ट. अंडरस्टूड? नाउ इट वुड बी ईजी फॉर यू. अब आपके लिए नेक्स्ट वाले ईजी होंगे अंडरस्टैंड करने, लाइक मोर, लेस, मच, बेटर. आई हैव सर्कल्ड मच. सो गेस वाई आई हैव सर्कल्ड मच. मच को मैंने सर्कल क्यों किया है? वाई? बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. येस, ऑल अदर्स आर कंपैरेटिव डिग्रीज. मोर, लेस एंड बेटर आर द कंपैरेटिव डिग्रीज, वेयर इज मच इज द फर्स्ट डिग्री. अंडरस्टूड? नाउ थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग, टफ, स्टेमिना एंड हेल्दी. Strong, tough, stamina and healthy. Four options are given. I have circled stamina. Why I have circled this? Because stamina is a noun and all others are adjectives. Now the next one is easily, lovely, regularly, actually. I have circled lovely. Why I have circled this? Because lovely is a adjective and rest of the words are adverbs. Now the next one is skiing, jogging, swimming and evening. So I have circled evening. Why I have circled this? Because here ing does not add to the meaning of the base word. It is not a suffix in all others. Ing is a suffix here. So that's why I have circled evening. Okay. Now moving on to fill in the blanks with the suitable words from the boxes. See, we have options here. We have to choose the correct word and fill the blanks. The first one is good health is priceless treasure. It is something that allows a dash to lead a happy, useful and successful life. Next is there are certain rules which can help us to dash healthy, help us to stay healthy. We should eat a which diet? Balanced diet, and drink dash of water, plenty of water. All foods are fattening if we too eat dash of them. कोई भी food अगर हम excess में खाते हैं तो वो क्या लेके आएगा हमें? Fat, much of them. So we should take regular dash in the open air. Open air में हमें regularly क्या लेना चाहिए? Exercise हमें करनी चाहिए and get dash sleep. और कितनी नींद लेनी चाहिए? Enough नींद, पर्याप्त नींद हमें लेनी चाहिए. Regular washing is important, especially the hands after we have been to the lavatory. Teeth of course should be brushed every night and morning. हर सुबह और हर शाम को हमें अपने teeth को भी brush करना चाहिए. We should keep ourselves clean to stay healthy. हमें खुद को clean रखना चाहिए to stay healthy, स्वस्थ रहने के लिए. Now next one is grammar in use. Complete the sentences with the given expressions. See, here we have some phrases are given. We have to complete the sentences by adding the expressions. Running long distances. अगर हमें बहुत दूर तक
रनिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड स्टेमिना, येस डेफिनेटली वी नीड एनर्जी फॉर दैट. नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज कैन गिव यू, रेगुलर एक्सरसाइज आपको क्या देती है, रेगुलर एक्सरसाइज कैन गिव यू अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. येस अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो एक हेल्दी बॉडी में आपको एक हेल्दी माइंड मिलेगा. वी वॉन द मैच एंड हैड अ ग्रेट, जब हम मैच जीत गए थे तो क्या हुआ, वी हैड अ ग्रेट फीलिंग ऑफ अचीवमेंट. फिजिकल फिटनेस कैन हेल्प यू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ. अगर आप फिजिकल फिटनेस, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो उससे टूवर्ड्स लाइफ वी हैव अ पॉजिटिव लुक, तो हमारे लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है. एवर सिंस आई गॉट अ कार आई हैव बिकम रादर ओवरवेट, कि जब से मुझे कार मिली है, जब से मैंने कार ले ली है, आई हैव बिकम रादर ओवरवेट, कि पहले से भी ज़्यादा मैं ओवरवेटेड हो गया हूँ, मीन्स मोटा हो गया हूँ. यू विल लिव लॉन्गर इफ़ यू हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आप और भी लंबी उम्र तक जी सकते हैं, आपकी उम्र और भी लंबी हो सकती है इफ़ यू हैव अ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम डूइंग प्रेजेंट सिंपल आई डू. वी यूज़ द कॉन्टिन्यूस फॉर टेम्परेरी सिचुएशन, फॉर थिंग्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वी यूज़ द सिंपल और परमानेंट सिचुएशंस फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन्स रिपीटेडली. नाउ सी द वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, द वॉटर इज बॉइलिंग, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थिंग, मीन्स द थिंग्स और द सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन, राइट, द एक्शन विच हैज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, जो काम अभी तक हुआ नहीं है, विच इज़ गोइंग ऑन, विच इज़ इन, मीन्स जो प्रोग्रेसिव है, अभी चल रहा है, देयर वी विल यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड वेन सी द नेक्स्ट वन, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो चीज़ होती है, यूजली होती रहती है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, लाइक वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, राइट. सो इट्स रेनिंग नाउ, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अभी बारिश नहीं हो रही है, दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अ थिंग विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन नॉट फिनिश्ड येट, मतलब कोई चीज़ है जो चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है. इट डज़ नॉट रेन मच इन मे, मे में ज़्यादा बारिश नहीं होती है. ऑल राइट नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग, सो हेयर वी हैव टू टेल दैट द गिवन सेंटेंसेज आर रॉन्ग और राइट, एंड इफ़ दे आर रॉन्ग वी हैव टू डू करेक्शन, अगर वो गलत हैं तो हमें उसमें थोड़ा करेक्शन करना है. सो सी आई मस्ट गो नाउ आई गेट लेट, सो वी विल चेंज दिस, देर इज़ लिटल बिट मिस्टेक. आई मस्ट गो नाउ टिल हेयर इट इज़ करेक्ट, नेक्स्ट आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो जाता हूँ, नो मुझे अब चलना चाहिए, मैं लेट हो जाता हूँ, नो दिस इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, सो आई मस्ट गो नाउ, मुझे अभी चलना चाहिए, आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ. नेक्स्ट, आई यूजली गो टू द वर्क बाय कार, मैं अक्सर कार से अपने काम पे जाता हूँ, येस दिस सेंटेंस इज करेक्ट, जो सो पुट अ टिक बिफोर द सेंटेंस. ओके सो लेट्स गो आउट, इट डज़ नॉट रेन नाउ, चलो बाहर चलते हैं, अभी बारिश नहीं होती है, नो दिस इज़ रॉन्ग, सो वी विल चेंज दिस इनटू प्रोग्रेसिव फॉर्म, लेट्स गो आउट, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, अभी बारिश नहीं हो रही है, यहाँ हम प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ करेक्ट. हरी अप, एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, जल्दी करो, हर कोई तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. The water boils, पानी उबलता है. Could you turn the burner off? क्या तुम बर्नर को ऑफ कर सकते हो, पानी उबलता है, No. The this is also wrong. So we will make it, the water is boiling, पानी उबल रहा है. Could you turn the burner off? क्या तुम बर्नर को, क्या तुम गैस को बंद कर सकते हो, This is the correct one. The next is the moon goes around the earth in about 27 days. This is correct. The next is look, that man tries to open the door of your car. देखो वो आदमी तुम्हारी कार का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, करता नहीं है, कर रहा है, देखो वो कर रहा है, करता नहीं है, so we will make it is trying.
Okay, I hope you have understood the chapter and as well as the book work. So do the book work now in your book. Okay, in the coming session we will start our new chapter. Okay, till then take care of yourself, keep learning. Thank you.